सी प्रोग्राम अगर हमें चेक करना है कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर, अब आप देखें परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे अगर 16 का है तो 16 कैसे आता है, 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसी को मैं 16.3 कर दूं और इसका रूट निकालने चलूं तो रूट तो निकल के आएगा इसका कुछ ना स्क्वायर रूट तो निकल के आएगा ही आएगा, एसक्यूआरटी करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। मान लीजिए वो आपका आता है 4.1, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 4.1 इंटू 4.1। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, अगर जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो आता है मान लीजिए 4.00 फ्लोट में आता है, तो इसको असाइन कर देंगे इंटीजर को, तो ये 4 ही लेगा केवल, इस 4 को इस 4 से मैच कराएंगे, बराबर आ गया। आप कहेंगे हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 4.1 आता है, इसको 4.1 को असाइन करेंगे इंटीजर से, इंटीजर वैल्यू वेरिएबल में, तो ये 4 आएगा। फिर इन दोनों को फिर से कंपेयर कराएंगे तो क्या ये 4 और 4.1 बराबर है, नहीं है, लेकिन 4 और 4.0 बराबर है, ये दोनों बराबर आएंगे, 4 और 4.1 बराबर नहीं आएंगे, यही इसका लॉजिक है। फिर से समझिएगा कि हम नंबर इनपुट करेंगे, इसको डालेंगे एक फ्लोट वेरिएबल में, ध्यान रखिएगा नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा उसको फ्लोट वेरिएबल में डालेंगे, इस फ्लोट वेरिएबल को अब हम डाल लेंगे इंटीजर वेरिएबल में, इंटीजर वेरिएबल में क्या होगा, इसका केवल इंटीजर पार्ट आ जाएगा, यानी अगर ये 4 है तो यहां 4 आ जाएगा, लेकिन अगर ये 4.3 होगा तब भी 4 आएगा। इस 4 को आप 4.3 से मैच कराएंगे, यानी कि इस इंटीजर वैल्यू को और इस फ्लोट वेरिएबल को हम कंपेयर कराएंगे, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ठीक है ये स्क्वायर रूट है, अदरवाइज हम कह देंगे कि ये स्क्वायर रूट या कहें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा इसका कि अगर आप सी में लिख रहे हैं तो stdio.h math.h इंक्लूड करिएगा, क्योंकि math.h में हम ये sqrt फंक्शन यूज करेंगे। अगर आप C++ में कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ चेंज कर दीजिएगा जो आपका iostream.h वगैरह करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से कहेंगे एंटर एन इंटीजर नंबर, तो यूजर इसमें एंटर करेगा नंबर, जैसे आपने कहा 16 एंटर करेगा, तो ये हम ले लेंगे नंबर में, NUM में। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर का बकायदा ये 16 जो आया है इसका स्क्वायर रूट हमें मिल गया, यहाँ स्क्वायर रूट से हम क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसको डबल में कन्वर्ट करके, यानी कि उसको फोर्सफुली बोलेंगे कि ठीक है इसको हम डबल बनाते हैं, जैसे 4 आ रहा है, इसका 4 आएगा तब भी हम इसको 400 करने की कोशिश करेंगे, या अगर ये 4.23 आ रहा है तो हम चाहेंगे कि 4.23 रहे, इसलिए हमने डबल दिया, ये फ्लोट में जाके सेव कर दिया, यानी कि एक फ्लोट वेरिएबल में सेव कर दिया, यानी अब 4.23 इसमें आ गया बाई चांस, अगर 16 नहीं है या कोई ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट नहीं है और उसका 4.23 उस इंटू 4.23 कोई नंबर ऐसा है जो यहां आपने दिया। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये फ्लोट वेरिएबल है और इंटीजर वेरिएबल भी है, इन दोनों को कंपेयर करा लीजिए, 4 और 4.23 तो बराबर नहीं आएंगे, अगर 4 है तो ये जब हम 4 देंगे तो 4.00 आएगा, और 4 को जब 4.00 से चेक कराएंगे तब ये बराबर आ जाएंगे, लेकिन 4 को जब हम 4.23 से इक्वेट कराएंगे तो ये नहीं आएगा। अगर ये दोनों बराबर है तो आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये, और ये दोनों बराबर नहीं है, अगर इन दोनों को कंपेयर कराएंगे बराबर नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।